अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ रंगीली चाय। मैम भी उठ गया है, अभी इसको मैं लेके जा रही हूँ तैयार करने के लिए। चला रहा हूँ सुबह। अच्छा जी, आराम की चाय भी रेडी हो गई। यहाँ बहुत अंधेरा, लाइटिंग का थोड़ा मसला है। और आराम जल्दी करें, लेट हो रहा है बहुत। शाबाश, आओ नाश्ता करो जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, सलाम नहीं किया, सलाम करें। अस्सलामुअलैकुम जी। अभी आराम जो है ना रेडी हो चुका है और अभी अपना नाश्ता करने लगा। इसके बाद इसकी बहन आ जाएगी तो ये चला जाएगा। के दादा हैं जो इसके साथ खड़े हैं बाहर, वैन का वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वैन आ जाएगी, उसके बाद जो है ना आराम स्कूल चला जाएगा। अब उसकी वैन भी आ चुकी है। अच्छा, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए मीठा पराठा बना रही हूँ। मैंने चीनी ऊपर डाल दी है और जो है ना बस अब उसके लिए मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा जो है ना मीठा पराठा रेडी हो रहा है। अब उसके बाद जो है ना जी मेरा पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा अंदर से कच्चा है तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा है हुआ है। आप लोग इससे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की जो है मीठे पराठे की रेसिपी जो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसको निकाल देती हूँ हस्बैंड के लिए। जी असलान भी उठ के आया और उसने क्या हाल किया है घर का, देखिए ज़रा क्या हाल किया है। उठते ही इसने सारा जो है ना तूफान मचाया होता है घर में पूरा, देखें सही है। वहाँ से आराम भी स्कूल से आ चुका है और अभी इसको जो है ना मैं खाना वगैरह बना दूँ, क्योंकि इसके एग्ज़ाम तो जल्दी आ जाता है, इसलिए 11:30 तक ही आ जाता है। बस ये कि अब मैं इसके लिए बना रही हूँ, अंडा पराठा खाएगा वो क्योंकि और कुछ खाता नहीं है, इसलिए इसके लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। ठीक है, हाय अजलान, चाय पीनी है। अजलान को नाश्ता करना है नहीं करना। और इसकी हालत देखें, इसके बाल देखें, इसकी हालत ही देखें। तो अब आ जाओ अजलान, ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें, तौबा ये लड़का। नाश्ता तो हमने कर लिया है, अभी जो है ना मुझे सफाइयाँ करनी है और घर का हाल देखिए बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जी सफाई तो अब हो चुकी है, सारे घर को साफ़ कर लिया, साथ साथ मैंने कपड़े भी धोने थे, मशीन लगाई थी, किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया। अपनी चाय भी मैंने रख दी है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा वो, और ऊपर से मैंने दाल भी चढ़ा दी है, दाल जो चनों की दाल होती है वो। अच्छा जी, मैं अपनी जो है ना दाल वो तैयार करने लग गई हूँ, क्योंकि रात हरी मिर्चें और जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन टमाटर और धनिया, ठीक है। बाकी जो मसाले जो मुझे यूज़ करने हैं इसके अंदर वो सारे के सारे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, ठीक है। बाकी अच्छे से जो है ना वो रही है और अच्छे से इसको जो है टमाटर को जो है ना पेस्ट में रखे, अच्छे से ही जो ना मिक्स हो जाए इसके अंदर मसाले। और दूसरी बात ये है कि मैं वही पानी यूज़ करती हूँ जो हम दाल में बॉईल करके जो निकालते हैं ना, उसी का पानी, उससे टेस्ट अच्छा आता है। मैं कर लूँगी थोड़ी देर के बाद, इसको आके चेक करेंगे तो थोड़ा सा मैं मतलब जो है ना इसको कवर कर लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद आके चेक करते हैं। हरी मिर्च और आखिर में लास्ट में जो है ना मैंने गर्म मसाला हल्का सा डाल दिया था। चलिए इसको हम कर लेते हैं बंद, हमारा रात का तो चले बन गया। बाकी इसके बाद जो है ना अभी रोटियां तो वो मैं तब बनाऊंगी जब हस्बैंड आएंगे, तो फिलहाल चलते हैं दूसरे काम कर लेते हैं। जब तक अभी मुझे आयरन करनी है, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक गर्म वाले आते हैं तब तक मैं छत से रखती हूँ, उतार लेती हूँ। वैसे अजलान बहुत तंग करते हैं तो अब चलते हैं हम छत पर, ठीक है।
जी मैं छत पे आ चुकी हूँ और ये देखिए सारे कपड़े जो आज मैंने वॉश किए थे। तक अजलान आता है ना तब तक मैं अपने काम कर लूँ वरना बहुत तंग करता है। और आज मैंने परिंदों को पानी भी नहीं डाला और यह ऐसे खाली पड़ा हुआ है। चलें थोड़ी देर के बाद इसको भी मैं फिल कर लेती हूँ। जो सूख चुके हैं उनको मैं अभी नीचे ले जाती हूँ, वो मैंने बांध के रखती हैं अपनी। चलें अब नीचे चलते हैं। जो आखिरी काम है कपड़े इस्त्री करने हैं और ये मैं इस्त्री करने लगी हूँ। मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ। चलें अब इस्त्री करके फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अजलान भी बहुत तंग कर रहा है क्योंकि इसके सोने का टाइम है, उसको मैं सुला नहीं रही, फिर रात को नहीं सोता। जी अजलान के पापा भी आ चुके हैं और मैंने कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे। बाकी जो है अब मुझे रोटी बनानी है, जो मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ। और उसके बाद जो है ना बस हम खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे और जो है ना बस उसके बाद अजलान का टाइम है बाहर जाने का। मैं भी जाती हूँ डेली, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से दिन नहीं जा रहा था। और अब हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद अजलान बाहर जाएगा। जी खाने के बाद अब हमारे हो गया था नमाज का टाइम। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अजलान यहाँ पे चला गया था अपने पापा के साथ बाहर, और हम भी साथ किया था। और अब मेरी हो गया चाय का टाइम, क्योंकि खाने के बाद तो चाय मुझे लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि सर में भी शदीद दर्द था और वैसे ही चाय मेरी बहुत फेवरेट है। चलिए अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।